हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर। स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज इसका सेकंड पार्ट हमें देखना है, हाउ कैन बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q3 फ्रॉम द गिवन कंटिन्यूअस सीरीज। इस कंटिन्यूअस सीरीज से हमें Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारा अपर क्वार्टाइल होता है। तो Q1 की वैल्यू हम इससे प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको काफ़ी अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। हाउ कैन बी कैलकुलेट द Q1 फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज, किस तरह से हम कोई कंटिन्यूअस सीरीज दी हो तो Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि Q1 की वैल्यू हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इससे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने Q1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम सिर्फ Q3 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा अपर क्वार्टाइल होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये कोई कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है 8, 20, 35, 17 एंड 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वार्टर फाइंड आउट करने के लिए इससे हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो किस तरह से हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, ये क्लास इंटरवल था हमारा Q1 के लिए, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को हमें एज इट इज लिख देना है, और नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसमें इससे ऊपर वाली टर्म को ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 को लिखा हमने एज इट इज, 8 प्लस 20 28 आया, 28 प्लस 35 63 आया, 63 प्लस 17 80 हुआ, 80 प्लस 10 ये 90 हुआ, और ये 90 यही हो जाती है हमारी टोटल जो कैपिटल एन है उसकी वैल्यू। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो भी 90 ही हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगी यहाँ से 90, ये हमें कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाती है। अब हम आगे क्या करते हैं, हमें सबसे पहले Q3 नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो ये Q3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो Q3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/4 × 3। तो कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे पुट किया हमने 90 upon 4 × 3, तो यहाँ से निकल के आया 22.5 × 3। इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई किया 22.5 × 3, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 × 5 = 1, ये हो जाएगा 7 and 67.5। तो यहाँ से Q3 नंबर मिल गया हमें 67.5। अब हमें सबसे पहले देखना है 67.5 किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर में आएगा, ये 80 के अंदर आएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल लेंगे हम इसमें। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी, जो कि लोअर लिमिट होती है, तो L1 जो कि दिया हुआ है 30। L2 की वैल्यू हो जाएगी 40, हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है। आई फाइंड आउट करने के लिए L2 की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, विच इज L2 − L1 I = 2। तो L2 − L1 ये हो जाएगा 10, 40 − 30 तो 10 ही आने वाला है, क्लास इंटरवल ये डिफरेंस होता है, तो I = 10। फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, इसके साथ वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी यही हमारी f की वैल्यू होगी, विच इज 17, तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ से Q3 नंबर -C, अब सबसे बड़ी बात है हमें C कहाँ से मिलेगा, तो ये जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसके ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी को लेंगे हम, जो कि 63 दी हुई है, तो C की वैल्यू हो जाएगी 63। ये वैल्यू जिस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, L1 की जगह पुट किया 30 प्लस I 10 दिया हुआ है, अपॉन F की जगह 17 पुट किया, Q3 नंबर 67.5 है, माइनस C 63। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 30 प्लस 10 अपॉन 17, तो ये हो गया यहाँ से 510 प्लस 10 अपॉन 17, 67.5 − 63, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.57 − 3, ये हो यहाँ से 4, तो 4.5 हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 520 upon 17 × 4.5। यहाँ से अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 17 3 जा
51 और ये हो जाएगा कुछ 30 पॉइंट, यहाँ से निकल के ये हो जाएगा 100 30.5 × 4.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो Q3 = 30.5 × 4.5 कुछ इतना निकल के आ जाएगा Q3 = इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर सकती हैं Q3 = 30.5 × 4.5, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा Q3 की वैल्यू। तो इस तरह से हम Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।